नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर हरिद्वार से है, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर आरोप लगाए और कहा कि 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा का जहाज डूबना तय है। भाजपा ने उत्तराखंड को अपने कार्यकाल में कई मुख्यमंत्री देने का काम किया है और उत्तराखंड में सिर्फ अधिकारियों के ट्रांसफर के सिवा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। उत्तराखंड निर्माण में आंदोलनकारियों का बड़ा रोल रहा है, पर सरकार ने उनको भी अनदेखा किया है। इसलिए उत्तराखंड के सभी आंदोलनकारी 8 अगस्त को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का अपनी मांगों को लेकर के घेराव करेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि चिन्हित आंदोलनकारी समिति और आंदोलनकारियों के अनेक संगठन मिलकर के अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, जिसमें उत्तराखंड के हर कोने से आंदोलनकारी इकट्ठे होकर देहरादून पहुंचेंगे। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। धीरेन्द्र जी, क्या प्रेस वार्ता थी? देखिए, कांग्रेस का मंथन शिविर अभी शुरू हुआ 12 बजे ऋषिकेश में, उसमें भाग लेने के लिए मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ, तो इसी बीच में हरिद्वार रुका हूँ। और मेरा आरोप है कि भाजपा ने इस राज्य का पूरा दिवालिया निकाल दिया, आर्थिक ढांचा जो है चरमरा रहा है, भ्रष्टाचार में हम राज्य भर पूरे भारत के राज्यों में पहले नंबर पर आएँ, बेरोजगारी में हम पहले नंबर पर आएँ, और सरकार ने पहले तो विपक्षी दलों को निशाना बनाया और राज्य आंदोलनकारियों को भी निशाना बना रही। मैं खुद एक राज्य आंदोलनकारी हूँ, पहला नौजवान हूँ जो संसद में गिरफ्तार हुआ था 23 नवंबर 1987 को, और मुझे अफसोस है कि जिन लोगों ने राज्य निर्माण किया आज उन पर में मुकदमे हो रहे हैं। हम 10% क्षेत्रीय आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने पास करवाया था गैरसैंण विधानसभा में 2016 में, लेकिन 5 साल से जब से सरकार सत्ता में आई है इसके गवर्नर जो लाट साहब हैं उस पर दस्तखत करने को तैयार हैं। इसको लेकर भी आंदोलनकारी आगामी 8 अगस्त को जो है विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, और कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस आज रोड मैप तैयार कर रही है। हम 2022 के विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, हम 2-3 कार्यक्रम देने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें हिसाब दो जवाब दो यात्रा, भाजपा की खोल खोल यात्रा और इसी तरह से परिवर्तन यात्राओं का एक बड़ा रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं। और श्री गणेश गोदियाल और श्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में, प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में राज्य भर में हम लोग जाएंगे और जनता में अलग जगाएंगे, और सरकार को इंतजार कर रही है मतदान का कि सरकार को उखाड़ दें। कि आंदोलनकारी जो है, इतने साल हो गए हैं आंदोलन उत्तराखंड बने हुए, और जो आंदोलनकारी अभी भी बेरोजगार हैं और उनकी जर्जर हालत है, आपकी भी सरकार रही है, तो अभी तक क्या कारण है, कि किन वजह है कि उनके लिए कोई काम नहीं हो पाया अभी तक? हमारी सरकारों ने हमेशा कदम उठाए हैं, मैं 5 बार इस विभाग का चेयरमैन रहा हूँ, हमने हज़ारों आंदोलनकारियों को नौकरियाँ दी हैं, हज़ारों आंदोलनकारियों को पेंशन मिल रही है। ये खेद का विषय है कि पिछले 4.5 साल में, और जब भी भाजपा बीच बीच में सत्ता में आई उसने इस कार्यक्रम पर रोक लगा दी। इस बार तो उन्होंने 4.5 साल में आंदोलनकारी कल्याण परिषद जो एक बोर्ड होता है आंदोलनकारियों का, वो बनाया ही नहीं है। तो जाहिर है कि उनकी प्राथमिकता क्या है, वो ये समझते हैं कि जो आंदोलनकारी हैं सारे कांग्रेसी, और अगर उनको कोई फ़ायदा मिलेगा तो शायद कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्य। क्या प्रेस वार्ता है आंदोलनकारियों के जो नेतृत्व में धीरेन्द्र प्रताप जी ने प्रेस की है, वो आंदोलनकारियों के लिए जैसे कि राजधानी गैरसैंण की मांग लेकर के, और आंदोलनकारियों का जो राज्यपाल के यहाँ 10% आरक्षण की जो फाइल रुकी हुई है और हाई कोर्ट में भी चल रही है, जबकि राज्यपाल अगर उसको साइन करके दे दें तो वो पास हो जाएगा और उन लोगों को वो आरक्षण से उनको जो है प्राप्त हो पाएगा, ये विशेष मांग है। और जो आंदोलनकारी जिनके परिवार में जो शहीद हुए हैं वो आज भी कहीं ना कहीं बेरोजगार हैं, उन लोगों की रोजगारी की बड़ी समस्या है, तो उस पर भी एक मांग रखी गई है, वो भी सरकार उसको पूरा करे। तो कब कब देहरादून जाने का क्या है? ये 8 तारीख को हम सब लोग उत्तराखंड के हजारों आंदोलनकारी वहाँ मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, और उसमें जो है मुख्यमंत्री से वार्ता होगी, जो भी आंदोलनकारियों की समिति बनी है वो लोग वार्ता करें, बुलाएं ना बुलाएं उनका काम है, मगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलनकारी के शंका में मुख्यमंत्री का 8 तारीख को घेराव करेगी 8 अगस्त।